हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 10 विज्ञान विषय रहेगा बच्चों। अध्याय इसमें 6 है और अध्याय का नाम है बच्चों जैव पराक्रम। तो इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स हैं, जो हमारे पास एग्जाम्पलर्स में बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर दिए गए हैं बच्चों, उनको सॉल्व करेंगे और उनको याद करेंगे। तो बच्चों आप भी इसको साथ के साथ नोट करते जाएं और इनको अच्छे से याद करें। तो इसमें आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर में देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौपोषी जीवों के लिए सही है। पहला प्रश्न है ये, यानी चौपोषी जीवों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो अक्सर गलती कर देते हैं कि जो सही है वो कर देते हैं, लेकिन ये पूछा है इसने कि नहीं है, यानी जो सब पोषी जीवों के लिए सही नहीं है, यानी इनमें से आपने गलत आंसर छांटना है। तो इसमें आपके पास पहला है, जैसे ए पार्ट में दिया गया बच्चों कि ये कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं, तो ये सही है बच्चों, हमने गलत छांटना है इसमें। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च के रूप में भंडारित रखते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें सी पार्ट में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देते हैं, तो ये बोल रहा है कि पेड़ पौधों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, तो यहाँ उपस्थिति आना चाहिए बच्चों। तो इसका सी आंसर होगा, सी जो ऑप्शन है वो गलत है, सही नहीं है। तो इसका आंसर आप लगाओगे सी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों ये, किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर से बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं। यानी ऐसे जीवों का वर्ग बताना है जो खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही खा लेते हैं, पचाकर और उसका अवशोषण कर लेते हैं। तो इसमें मशरूम है, हरे पौधे हैं, अमीबा है। तो ये इसमें हरे पौधे हैं जो, वो तो स्वपोषी होते हैं, तो वो भोजन का पाचन जो है शरीर के बाहर नहीं करते, यानी वो अपने शरीर के अंदर ही भोजन को बनाते हैं। तो इसलिए पहला तो गलत है, नहीं होगा आंसर। दूसरे में आपके पास है, यीस्ट है, फफूंदी है और ब्रेड की फफूंदी, यानी यीस्ट मशरूम और ब्रेड की फफूंद जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं परजीवी, यानी मृत जीवी होते हैं। ये गली सड़ी वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और शरीर के बाहर ही ये भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। तो आपके पास बी ऑप्शन आपका है, बी ही आपका आंसर है बच्चों। फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सही कथन चुनिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि सही कथन चुनिए। तो सही कथन में देखिए क्या क्या है, ये कह रहा है कि ए पार्ट में क्या कहता है कि विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते। तो विषम पोषी प्राणी जो है अपने भोजन का संश्लेषण वो स्वयं नहीं करते, यानी अपना भोजन वो दूसरों से ग्रहण करते हैं। तो ये सही कथन है वैसे बच्चों, बाकी दूसरे भी देख लेते हैं। विषमपोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सौर ऊर्जा का ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं, ये गलत कह रहे हैं, विषमपोषी नहीं स्वपोषी करते हैं। सी में विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसमें आपका ए ही ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन में विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है। यानी मानव की जो आहार नाल है तो उसमें
जो सही है बच्चों, तो सही तो इसमें देखिए जो डी पार्ट दिया गया है ना, ये सही क्रम है। सबसे पहले मुख होता है, फिर ग्रसिका होती है, फिर अमाशय में भोजन जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, और फिर बड़ी आंत से वो उसमें स्टोर होके वहीं से वो बाहर चला जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहता है ये, कि यदि लार में इमाइलेज, लार में यदि लार में लार इमाइलेज की कमी हो, तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी। यानी अगर हमारे लार में जो है, हमारे लार एमाइलेज, एमाइलेज सूक्ष्म जीव होते हैं, एंजाइम होते हैं जो हमारे मुंह में होते हैं बच्चों, और जो हमारे मुंह में जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च का को वो शर्करा में विघटित करते हैं। यानी जब हम भोजन को पचाते हैं अपने मुख में, तो वो स्टार्च के को तोड़ के शर्करा में विघटित कर देता है। तो अगर एमाइलेज हमारे मुंह में नहीं होगा, तो स्टार्च शर्करा में विघटित होना जो है वो प्रभावित होगा। तो इसमें ऑप्शन बी जो है आपका वो सही है बच्चों, स्टार्च का शर्करा में विघटित होना प्रभावित हो जाएगा। यानी स्टार्च जो है टूटकर शर्करा में विभाजित नहीं होगा, तो जिससे हमें भोजन पचाने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए लार में इमाइलेज होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपके पास, जो अमाशय का अस्तर निम्नलिखित में से कौन सी उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। यानी हमारे अमाशय के अंदर एक लेयर होती है, तो उस लेयर की रक्षा के लिए, यानी हमारे अमाशय में अमल भी होता है, तो अमल से अमाशय की रक्षा कौन करता है बच्चों, तो वो श्लेष्मा है। क्या है बच्चों, श्लेष्मा आ जाएगा बी नंबर पे जो है, श्लेष्मा जो होता है ये हमारे अमाशय की अंदर की लेयर को अमल से बचाता है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है। यानी आहार नाल में कौन सा भाग है जहाँ पर यकृत से जो है पीत रस आता है। तो यकृत से पीत रस जो मिलेगा बच्चों, वो छोटी आंत को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, छोटी आंत में। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो स्मॉल इंस्टेंटाइन या छोटी आंत में आपका जो यकृत से पीत रस है वो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है बच्चों, तो ये छोटी आंत में जाएगा। फिर उसके बाद 8वां प्रश्न है, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई, तो चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया, तो इससे हमें क्या पता चला कि चावल में के पानी में क्या है। यानी चावल के पानी में क्या होगा जिसकी वजह से वो जो है जो आयोडीन की बूंदें हमने डाली वो नीले काले रंग की हो जाती हैं, तो वो उसमें क्या होता है बच्चों, स्टार्च होता है। तो उसकी वजह से, क्योंकि तो जिस भी भोजन में आयोडीन का रंग नीला काला हो जाता है तो उसमें स्टार्च होता है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही है बच्चों, स्टार्च इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहता है ये, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है। तो आहार नाल में सबसे लास्ट में भोजन कहाँ पर जाता है बच्चों, छोटी आंत में। यानी छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से पच जाता है, और उसके बाद वो उसमें से जो भी वेस्ट या कचरा हो जाता है वो बड़ी आंत में जाता है, बृहदान्त्र बोलते हैं इसे। तो आपका भोजन जो है पूरी तरह से छोटी आंत में ही पचता है। फिर आगे 10वां क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहता है कि अमाशय अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी जो अग्नाशय से जो रस निकलता है बच्चों, वो क्या काम करता है।
तो इसमें आपके पास जो है अग्नाशय से जो रस निकलता है ना बच्चों, तो ऑप्शन डी में देखिए, ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है और लाइपेज पाइसीभूत वसाओं को, यानी लाइपेज जो है इमल्सीफाइड फैट्स बोलते हैं, यानी इसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं बच्चों अग्नाशय रस में, जो प्रोटीनों का और वसा का पाचन करता है। जो भी भोजन से प्रोटीन मिलेगा या वसा मिलेगा तो उसका पाचन जो है अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज, तो ये प्रोटीन को और वसा को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। तो चूने के पानी, जब हम चूने के पानी से भरी परख नली में से मुंह द्वारा फूंक लगा देते हैं, तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? यानी हम परख नली में चूने का पानी लेते हैं और उसमें फूंक लगाते हैं, तो उसका पानी जो है, पानी का रंग दूधिया हो जाता है, दूध के जैसा वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है बच्चों? क्योंकि हमारे मुंह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जब चूने के पानी के साथ क्रिया करती है तो वो उसका रंग को सफ़ेद कर देती है, दूधिया बना देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर है बच्चों। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और तो आप इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बच्चों अगर आप नए हो चैनल पे, और हाँ अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, 12वां प्रश्न है आपके पास। यीस्ट के, यानी यीस्ट सूक्ष्म जीव होता है बच्चों, ये अवायवीय अभिक्रियाओं का सही क्रम क्या है? यीस्ट एक सूक्ष्म जीव है बच्चों जो किण्वन प्रक्रम के लिए उत्तरदायी होता है और इसको क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती इसमें, तो ये ग्लूकोज को किस में चेंज करता है बच्चों? तो इसमें ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी है ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव्य में होगा और ये पाइरूवेट में बदल जाएगा, और पाइरूवेट कोशिका द्रव्य में इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है। यानी यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो इथेनॉल का निर्माण करते हैं, तो डी ऑप्शन इसमें सही है, इथेनॉल का निर्माण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी उसके साथ। तो इथेनॉल जो होता है बच्चों वो शराब होती है, तो शराब का निर्माण यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव से ही होता है जिसे हम किण्वन प्रक्रम कहते हैं। तो कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है किण्वन किसे कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कि वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? वायवीय श्वसन होता है बच्चों जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो वायवीय श्वसन में जो हमारे पास ऑक्सीजन जो होती है वो पूरी मात्रा में मिलती है और उससे ऊर्जा भी मिलती है हमें, पूरी तरह से भोजन विघटित होता है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है डी, यानी जो चौथा ऑप्शन है वो देखिए आप लोग, तो इसमें जो ग्लूकोज होता है जो भोजन से मिलता है वो कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में बदलेगा और उससे ऊर्जा मिलेगी बच्चों, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास भोजन का विघटन होके जो भी ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जमा हो जाएगी और CO2 गैस बनेगी, H2O और ऊर्जा। यानी जो वायवीय श्वसन होता है इसमें जो डी अभिक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है बच्चों, इसमें कंप्लीट ऊर्जा मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपके पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी श्वसन
श्वसन में के बारे में बताया गया है, इसने भी इसमें कौन सा कथन सत्य है सही है। तो इसमें देखिए आपके पास ये कह रहा है पहले पार्ट में कि जो अंतःश्वसन है के दौरान पसलियां भीतर की तरफ चली जाती हैं, तो ये गलत है बच्चों। पसलियां ऊपर की तरफ आती हैं जब अंतःश्वसन का मतलब सांस अंदर लेते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कूपिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है, यानी कूपिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में पहुंच जाती है, ये सही है। रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर कूपिकाओं की वायु में चली जाती हैं, यानी हमारी जो कोशिकाओं में आगे कूपिकाएँ होती हैं छोटे छोटे लास्ट वाले पार्ट होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान होता है बच्चों। ऑक्सीजन गैस रुधिर में यानी खून में मिल जाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाती है जो सांस के द्वारा हम बाहर छोड़ देते हैं। फिर दूसरा सही है बच्चों। तीसरा है हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक बंधुता होती है, तो ये गलत है बच्चों। हीमोग्लोबिन में तो ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो ये फिर आपके पास है फोर्थ कूपिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दो और चार है वो सही है बच्चों। तो इसमें देखिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो दो और चार है जिसमें, तो आपके पास जो डी वाला जो पार्ट है तो डी इसका ऑप्शन सही है। तो डी का आंसर है जो आपका वो सही है बच्चों। तो 14वें का आपने डी ऑप्शन लगाना है। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर बच्चों 15वां। तो 15वें क्वेश्चन में देखिए अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। तो जब हम अंतःश्वसन ले करते हैं यानी सांस अंदर ले जाते हैं ऑक्सीजन गैस को शरीर के अंदर ले जाते हैं, तो उसके लिए कौन सा प्रक्रम सही है। तो उसके लिए सबसे पहले जो होता है बच्चों देखिए नासा द्वार में जाएगा, ठीक है, नासा द्वार कंठ। तो इसमें नासा द्वार में जाएगा पहले, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, नासा द्वार में यानी नाक के द्वारा कंठ से होती हुई ग्रसनी में जाएगी और फिर श्वास नली में जाती है, सांस की नली में जाएगी फिर फेफड़ों तक पहुँचती है बच्चों, ठीक है। तो इसमें श्वास नली में और फिर फेफड़ों तक, फेफड़ों से आगे कूपिकाएं होती हैं वैसे, तो इसमें आपका जो ए पार्ट है ये भी सही हो सकता है और डी पार्ट भी इसका सही हो सकता है बच्चों। नासा द्वार से ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और कूपिकाओं में जाती है लास्ट में ऑक्सीजन गैस, वहीं पे गैसों का आदान प्रदान होता है बच्चों, ठीक है। तो डी पार्ट आपका ज़्यादा सही लग रहा है तो डी आप लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है। तो श्वसन के दौरान जो गैसों का विनिमय होता है बच्चों वो कहाँ होता है, तो वो फेफड़ों की कूपिकाओं में होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आ जाएगा आपका आंसर, फेफड़ों की कूपिकाओं में, ठीक है। जो श्वसन का गैसों का आदान प्रदान होता है यानी खून के अंदर रुधिर के अंदर ऑक्सीजन का मिलना और CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकलना, तो वो फेफड़ों की जो कूपिकाएँ होती हैं उसके अंदर होता है बच्चों, ठीक है। फिर 17वां क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17 देखें कि हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही है, यानी कौन सा कथन सही है, तो आपने वही बताना है जो सही है। तो इसमें आपके पास देखिए बच्चों इसमें कह रहा है कि बायां आलिंद जो होता है शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित रुधिर शरीर से प्राप्त करता है और जबकि दायां आलिंद फेफड़ों में भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। तो ये कह रहा है कि दायां आलिंद में फेफड़ों में भी ऑक्सीजनित रुधिर आता है,
फेफड़ों से, तो ये आपका गलत है बच्चों, पहला पार्ट। तो दूसरे में देखिए, जो दूसरा है ना, बायां नीले ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाले रुधिर को बायां नीले जो है शरीर के सभी भागों में भेजता है, जबकि दायां नीले बिना ऑक्सीजन रुधिर को फेफड़ों में पंप करता है। तो दूसरा आपका सही है बच्चों। फिर आपके पास तीसरा है, जो बाएं आलिंद में से ऑक्सीजन नित रुधिर दाएं नीले में चला जाता है, जो इस रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेज देता है। तो ये भी गलत है बच्चों। तो आपका फोर्थ देख लेते हैं, दायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, जबकि बायां नीले ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। तो इसमें जो आपका दूसरा और चौथा पार्ट है बच्चों, वो सही है। तो दूसरा और चौथा पार्ट जो है आपके पास, सी जो ऑप्शन है, तो वो आ जाएगा आपका 17वें का सी ऑप्शन है, दूसरा और चौथा सही। तो बच्चों इसे आप ध्यान से समझें और अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, और हाँ लाइक कर जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है, संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है, यानी जब संकुचन होता है, संकुचन का मतलब होता है कि हृदय की धड़कन होती है तो उसमें संकुचन होता है, और तो उसके अंदर वाल्व होते हैं बच्चों, मांसपेशियों के वाल्व होते हैं। तो वाल्व वो जो है हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। तो इसमें आपके पास ए आ जाएगा, हृदय के भीतर स्थित कपाट होते हैं जिन्हें वाल्व बोलते हैं। तो ये वाल्व जो होते हैं ये खून को वापस जाने से रोकते हैं बच्चों, रुधिर को वापस जाने से रोकते हैं। 19वां प्रश्न है बच्चों, एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्कर के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से कौन में से किन में पाया जाता है, यानी एकल परिसंचरण होता है हमारे शरीर में, तो दोहरा परिसंचरण होता है बच्चों, लेकिन कुछ जीव होते हैं जिनमें एकल परिसंचरण होता है, तो वो किस किस में पाया जाता है। तो आपके पास देखिए जो ऑप्शन बी है ना, इसमें देखिए हिप्पोकैम्पस में, एक्सोसीट्स और एनाबस, तो ये आपने याद रखना है बच्चे। कुछ ये जीव जंतु होते हैं जिनमें एकल रुधिर का एकल चक्कर होता है, एकल परिसंचरण होता है। क्या है? हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीट्स और एनाबस। तो ये बी पार्ट आपका आंसर है 19 क्वेश्चन नंबर। फिर 20वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, 20वें में ये कह रहा है कि निम्नलिखित कशेरुकी समूह में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता। कशेरुकी समूह के जीव हैं जो हृदय जो है ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंपित नहीं करता, तो इसका क्या कारण है बच्चों? देखिए तो इसमें जो है इसका आंसर आएगा आपके पास डी। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? डी आएगा, केवल पीसीज, केवल पीसीज में, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर है डी, 20वें का, याद रख लें आप लोग ये। 21वां प्रश्न है बच्चों, ये कह रहा है कि धमनियों के का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित के लिए सही कथन चुनिए, यानी धमनियाँ और सिराएँ होती हैं, तो धमनियों के लिए आपने सही उत्तर देखना है, सही उत्तर बताना है। तो इसमें सही उत्तर आपके पास है बच्चों, आप याद रख लेंगे, इनकी भित्तियाँ मोटी होती हैं, धमनियों की जो तह होती है वो मोटी होती है, प्रत्यास्थ होती है, इनमें रुधिर जो है उच्च दाब के साथ बहता है, और ये रुधिर को हृदय के से दूर शरीर के सभी भागों तक ले जाती हैं।
यानी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन वाला बहता है ये, और इनकी दीवारें मोटी होती हैं बच्चों, और उच्च दाब पर रुधिर इनमें बहता है और ये शरीर के सभी भागों तक रुधिर को ले जाती हैं, यानी हृदय से सभी भागों तक ये रुधिर को खून को ले जाती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहा है कि वृक्कों की निःसंयंदक इकाइयों को क्या कहते हैं, यानी वृक्कों की निःसंयंदक इकाइयों को, यानी वृक्कों के अंदर जो अशुद्धियों को छान देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या करते हैं? नेफ्रॉन, यानी ये अशुद्धियों को छान देता है, छानने का काम करती हैं ये। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, देखिए तो ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन होती है बच्चों, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों, ये जल से प्राप्त होती है। कहाँ से मिलती है ये? जल से, क्योंकि जल में भी ऑक्सीजन घुली होती है बच्चों, तो ऑक्सीजन जो है जल में भी होती है। ये 24वां प्रश्न है बच्चों, ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो बच्चों जो क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं ना, इनमें से पेपरों में प्रश्न आते हैं, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं ना, 17-18 क्वेश्चन आएंगे तो वो इन्हीं में से ही आएंगे बच्चों, इसलिए आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो 24वां क्वेश्चन है, ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अधिक हो जाती है। तो वो होती है बच्चों, जो ऊतकों से बाहर रुधिर आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक होती है, और जो ऊतकों के अंदर जाता है उसमें ऑक्सीजन गैस अधिक होती है बच्चों। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इसमें आपने बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपके पास जो सही नहीं है ना, तो पहला तो है जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं, ये सही है। जीवों के शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करते रहना चाहिए, ये भी सही है। तो जो सी है ना आपका, तो ये सही नहीं है बच्चों। कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती, तो ये गलत है, कोशिकाओं में भी अणुओं की गति होती है बच्चों। ठीक है, तो ये आपने करना है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों आपके पास, शवपोशी में निश्चित रहने वाली आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में होती है, यानी शवपोशियों में जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में संचित हो जाती है। तो वो स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। पेड़ पौधों में जो ऊर्जा होती है संचित, तो वो स्टार्च के रूप में होती है। तो इसका सी ऑप्शन आपका आंसर है बच्चों, स्टार्च, इसमें स्टार्च में हो जाती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये, निम्नलिखित समीकरणों में कौन से समीकरण को प्रकाश संश्लेषण क्रिया समीकरण माना जाता है, यानी इनमें से आपने बताना है कि कौन सी समीकरण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाती है। तो इसमें आपके पास जो है सबसे उपयुक्त जो है सही सी आएगी, 6CO2, यानी 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 6 अणु, 12H2O यानी वाटर के 12 अणु, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है बच्चों, और 6O2 ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और पानी छोड़ते हैं 6H2O। तो ये आपके पास प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की सही समीकरण है, तो इसे आप याद कर लें और नोट कर लें, लिख के देखें बच्चों, तभी ये याद होगी। क्वेश्चन नंबर आपके पास 28 है, उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती, यानी आपने ये बताना है 28 में से कि कौन सी प्रक्रिया है जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती। तो इसमें आपके पास क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, ये सही है।
कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन हो जाता है, ये भी सही है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन होता है, तो इसमें आपका सी जो है वो गलत है बच्चों। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन होता है, तो ये अपचयन होता है, उपचयन नहीं होता, तो ये सी आपका इसमें गलत है बच्चों, तो ये आपने करना है। फिर उसके बाद आपके पास चार पांच क्वेश्चन और रह गए हैं बच्चों, ये भी कर लेते हैं जल्दी से क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ये हरियाणा बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक के हैं सभी, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये आपके हर वीडियो जो है 2 या 3 नंबर के लिए आपकी होगी। तो पौधों में के रंध्रों का खुलना या बंद होना निर्भर करता है, यानी पौधों में पत्तों में रंध्र होते हैं तो वो खुलते हैं या बंद होते हैं, तो वो किसके ऊपर निर्भर करता है बच्चों? तो ये आपने देखना है कि जो द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल होता है, यानी जो रंध्र की दीवार द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल होता है, वो ही रंध्रों को खुलना और बंद करना नियंत्रित करता है। ठीक है, सी इसका आंसर है बच्चों। फिर आपके पास 30वां क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है कि अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं। तो अधिकांश पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं बच्चों? तो वो देख लेते हैं। तो इसमें देखिए प्रोटीन है एक, फिर दूसरा है नाइट्रेट और नाइट्राइट में, तीसरा यूरिया में, चौथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन में। तो इसमें आपके पास जो दूसरा है ना, नाइट्रेट और नाइट्राइट, और चौथा है सॉरी तीसरा है जो यूरिया, तो दो रूप में ये प्राप्त करते हैं। तो इसमें दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन बी में है, तो वो आपका आंसर है बच्चों, यानी नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में और यूरिया के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। इसलिए जो खेतों में है ना, फसलों में यूरिया डालते हैं बच्चों। ठीक है, फिर पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ, 31वां क्वेश्चन है ये, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? यानी जब पाचन शुरू होता है तो हमारे मुख में एक एंजाइम होता है जो सबसे पहले भोजन में मिलता है, तो उसे एमाइलेज कहते हैं बच्चों। एमाइलेज एंजाइम जो होता है ना, ये हमारे मुख में लार में होता है और ये मंड यानी स्टार्च का को शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है, यानी मुख से ही ये उसका पाचन करना शुरू कर देता है, एमाइलेज। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास 32वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से सही क्वेश्चन आपने बताना है। तो इसमें देखिए आपके पास क्या क्या होंगे सही। तो इसमें है एक तो पहला, पाइरूवेट को यीस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदला जाता है, तो ये सही है बच्चों। पीछे क्वेश्चन भी आया था, ये ऑप्शन भी आया था। और एक फोर्थ सही है, किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है, तो इसमें आपके पास फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन किस में है? सी में है, तो सी ऑप्शन आपका सही है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 था, इसे कर लीजिए बच्चों। बच्चों आगे है 33 क्वेश्चन नंबर 33, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की परेशानी में प्राय खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, या ऐसा इस कारण से होता है, यानी जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं ना, तो कई बार उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, दर्द रहने लग जाता है, तो वो किसके कारण होता है बच्चों? वो लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनने के कारण। तो डी जो है, पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण उनकी मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, तो इसको दूर करने के लिए वो गर्म पानी से नहा सकते हैं या तेल की मालिश कर सकते हैं, तो उससे उनको आराम मिलता है। फिर उसके बाद है
हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। हमारे शरीर में जो मूत्र है वो किस तरह से कहाँ पे बनना शुरू होता है और किस तरह से हमारे शरीर से वो बाहर आता है। तो इसमें देखिए आपके पास सी पार्ट है, जो जो वृक्क होता है ना हमारा, वृक्क किडनी बोलते हैं जिसे। तो वृक्क जो है, वृक्क मूत्र को छान के अलग कर देता है, मूत्र नलियों में जाएगा और वो मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है और मूत्र मार्ग से वो शरीर से बाहर आ जाता है। तो ये हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग है बच्चों। पहले वृक्क उनको अलग करेगा, फिर मूत्र नलियों में जाएगा, फिर मूत्राशय में जाएगा और फिर मूत्र मार्ग से वो शरीर से बाहर आ जाता है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 ये लास्ट क्वेश्चन है MCQ में। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसमें ये कहता है कि मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पाइरूवेट अम्ल किस कोशिका अंग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो इसमें देखिए आपके पास, यानी लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है तो वो कहाँ बदलता है बच्चों। तो इसमें आपके पास कोशिका द्रव्य होता है ना, जो साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, या कोशिका द्रव्य के अंदर होता है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 35 था बच्चों। आगे हमारे पास लघु उत्तरात्मी या प्रश्न उत्तर आगे हैं। तो बच्चों आशा है आपके ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो बच्चों फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।